हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबद्ध बीएड कॉलेज ऐसा को प्ले की तरह प्ले और दूसरे सेमेस्टर के छात्रों के परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरवाने होंगे। इसलिए विश्वविद्यालय की परीक्षा विंग की ओर से सब संस्थानों को निर्देश जारी किए गए हैं। ऑनलाइन फॉर्म वाली वेबसाइट के साथ चल रहे कुछ विवाद के सुलझ जाने के बाद अब संस्थानों को ऑफलाइन जमा करवाए गए फॉर्म को ऑनलाइन भी भरना होगा, ताकि छात्रों का डाटा ऑनलाइन हो सके। छात्रों से ऑफलाइन ली गई फीस को संस्थानों को ही परीक्षार्थियों की संख्या के मुताबिक विवी को ड्राफ्ट के रूप और भेजनी होगी। इससे साफ है कि छात्रों को दोबारा फीस ऑनलाइन नहीं भरनी होगी, चूंकि छात्रों से पहले ही ऑफलाइन फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। एचपीयू ने हालांकि अब तक फॉर्म ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि तय नहीं की है, जिसे एचपीयू पानी तय कर घोषित करेगा। ऑनलाइन फॉर्म वाली वेबसाइट के साथ चल रहे कुछ विवाद के सुलझ जाने के बाद अब संस्थानों को ऑफलाइन जमा करवाए गए फॉर्म को ऑनलाइन भी भरना होगा, ताकि छात्रों का डाटा ऑनलाइन हो सके। छात्रों से ऑफलाइन ली गई फीस को संस्थानों को ही परीक्षार्थियों की संख्या के मुताबिक विवी को ड्राफ्ट के रूप और भेजनी होगी। इससे साफ है कि छात्रों को दोबारा फीस ऑनलाइन नहीं भरनी होगी, चूंकि छात्रों से पहले ही ऑफलाइन फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। एचपीयू ने हालांकि अब तक फॉर्म ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि तय नहीं की है, जिसे एचपीयू पानी तय कर घोषित करेगा। एचपीयू जिस वेबसाइट ripaneetindia.com के माध्यम से बीएड परीक्षा फॉर्म भरवाता था, उसने ऑनलाइन फॉर्म भरवाने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब यह विवाद विवी के साथ सुलझ गया है। तो विवी ने बीएड संस्थानों को ऑफलाइन फॉर्म को ऑनलाइन भरने के निर्देश दे दिए हैं। प्रदेश भर के 75 संस्थानों के हजारों छात्र देंगे प्ले। तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा बीएड के विवी से संबद्ध दो सरकारी और 73 निजी संस्थानों और पढ़ रहे करीब 14,000 परीक्षार्थियों की दिसंबर माह और प्ले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी है। गैर शिक्षक कर्मियों के चुनावी ड्यूटी पर लगे होने के कारण बीएड की परीक्षाएं जैसा नवंबर माह और शुरू होती थी, इस बार आगे ले जाकर दिसंबर माह और ही करवाना संभव हो पाएगा। एचपीयू परीक्षा शेड्यूल अलग से जारी करेगा, सुलझ गया है मामला। नेगी विवी के परीक्षा नियंत्रक जेएस नेगी ने माना कि ऑनलाइन फॉर्म भरने को लेकर वेबसाइट संचालकों के साथ चल रहा मसला हल हो गया है। अब बीएड संस्थानों को फॉर्म को ऑनलाइन भरवाना होगा, इसलिए अंतिम तिथि पानी तय कर दी जाएगी। उन्होंने माना कि चुनाव के कारण बीएड परीक्षा भी दिसंबर माह और ही संभव हो पाएगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएससी बीकॉम की प्रथम और तृतीय सत्र की तीन परीक्षाओं की तिथि और क्लैश होने के कारण इसे और बदलाव किया है। इसे विवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है। सकलपचर की 2 नवम्बर की परीक्षा अब 15 नवम्बर को आयोजित किए जाने का फैसला लिया है। वहीं 2 अन्य ऐसे विषयों की परीक्षाओं की तिथि भी बदली गई है। विवी के परीक्षा नियंत्रक जेएस नेगी ने कहा कि परीक्षा तिथि बदलाव की सूचना विवी की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जा रही है, छात्र वेबसाइट चेक करें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।